हमारे साथ में मौजूद हैं महर्षि वाल्मीकि जयंती के अध्यक्ष मदनलाल गांधी जी। आपको बता दें, निकाय चुनाव संभवतः नवंबर लास्ट या दिसंबर शुरू में हो सकता है, इसकी चर्चाएं चल रही हैं। तो इस मामले को लेकर नवाबगंज के जितने बुद्धिजीवी हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं यहाँ के, उन सभी लोगों की मैं राय लूँगा इसमें कि उनकी क्या राय है, कौन लोग बेहतर रहेगा, कौन यहाँ पर जितने भी दावेदार हैं उसमें कौन बेहतर रहेगा। फिलहाल जो गांधी जी मेरे साथ में, ये भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो मैं गांधी जी सबसे पहले जानना चाहूँगा क्या हालचाल हैं आपके। बहुत अच्छे हैं सचिन जी, और आपसे मुलाकात के बाद और अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, नगरपाल का चुनाव एक महीने के बाद मुझे लग रहा है हो सकता है, क्या सोच रहे हैं इस बार? देखिए, राष्ट्रवाद और विकास की धारा को बहाने वाला पार्टी का जो भी निर्णय होगा, जो भी प्रत्याशी दिया जाएगा, उसको पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ाया जाएगा। पिछले 5 चुनाव नवाबगंज में भारतीय जनता पार्टी से नीरेंद्र सिंह राठौर परिवार लड़ा था। पिछली बार नीरेंद्र सिंह राठौर उनके भाई हैं रविंद्र सिंह जी के, वो लड़े थे। लेकिन इस बार जो देखा जा रहा है, कई कैंडिडेट सामने आ चुके हैं, कई दावेदार सामने आ चुके हैं, जिसमें प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी हैं, वो भी मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा कई और लोग हैं पीछे से, वो भी तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल प्रमुख तौर पर जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें राठौर परिवार और प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी, ये लोग सामने आ रहे हैं। तो इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं आप? यहीं के हैं आप, उन्हीं के साथ में जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्या सोच रहे हैं, कौन बेहतर है इनमें से, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक बेहतर का सवाल है सचिन जी, तो राठौर साहब के परिवार ने भी अपने आप को सिद्ध किया है, और प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी भी बहुत लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, कहना चाहिए जमीनी कार्यकर्ता हैं, तो दोनों ही प्रत्याशी बहुत बेहतर हैं। मैंने ये देखा है कि प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी पिछले करीब 7-8 महीने से, ये देखा जा रहा है लगातार जो संगठन है, चाहे आपके बरादरी के हिसाब से वाल्मीकि समाज हो, चाहे मजदूर लोग हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे शिक्षक हों, सभी लोगों का यहाँ पे बुला के सम्मान करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, इसका उन्हें कोई फल मिलेगा आगे, या खाली सम्मान हुआ और बात खत्म हो गई? नहीं, प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी ने कभी भी फल की चिंता नहीं की है सचिन जी। वो एक बहुत ही लंबे समय से समाज सेवी रहे हैं, और बहुत लंबे समय से वो इन कार्यक्रमों को, सबको, समाज को, समाज के सभी वर्गों को सम्मान देते रहे हैं। ऐसा उनका कोई स्वार्थ इसमें निजी नहीं है, मुझे नहीं दिखाई देता ऐसा स्वार्थ कि वो किसी स्वार्थ मैं स्वार्थ वाली बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो इन लोगों का वो सम्मान कर रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है कि चुनाव के समय उनके साथ में वो लोग खड़े होंगे या बट जाएंगे, मेरा सवाल ये है। जी, निश्चित रूप से खड़े होंगे, जिसका हम सम्मान करेंगे, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जिसका सम्मान किया जाता है वो आपका भी सम्मान जरूर करेगा। लेकिन भाजपा से तो नीरेंद्र सिंह राठौर की बहुत मजबूत, उनकी भी स्थिति है, पिछली बार सुना जा रहा है करीब 170 वोटों से हारे थे, रस्तोगी जी का पहला चुनाव है, तो क्या देख रहे हैं आप? देखिए सचिन जी, मैंने पहले भी आपसे कहा, पार्टी का निर्णय सर्वधार्य है। यदि नीरेंद्र सिंह राठौर जी को टिकट होता है तो उनको पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया जाएगा, और प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी का भी दावा अपनी जगह ठीक है। दावा किसका ठीक है, टिकट जिसे मिलेगा उसे आप लड़ाएंगे, ये पता है सबके लिए जी। जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ है वो लड़ाएगा टिकट, चाहे रस्तोगी जी को मिले, चाहे राठौर साहब को मिले, या किसी और को मिले। उससे पहले आप व्यक्तिगत सोच क्या है, आप दोनों लोगों से मिलते हैं और जितने भी दावेदार हैं सबसे मिलते हैं, उनकी जो खासियत है उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको, कौन बेहतर रहेगा? देखिए, सेवा, सद्भाव, समर्पण में और लोगों के सम्मान करने में प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी का कोई सानी नहीं है, ये तो पूरा नगर जानता है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। सभी वर्गों का सम्मान करना उनकी आदत में, उनकी दिनचर्या में शुमार है। जहाँ तक रविंद्र सिंह राठौर जी के परिवार से नीरेंद्र सिंह जी का प्रश्न है, पार्टी ने उनको लगातार अवसर दिया है, मौका दिया है, वो अलग विषय है, चुनाव हारा गया या जीता गया वो अलग विषय है, लेकिन उन्होंने भी विकास के लिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। तो दोनों की तरफ हैं आप? देखिए, मैं इसको दोनों लोगों को चाहते हैं टिकट मिले, मैं इसको पहले भी आपको स्पष्ट कर चुका हूं, पार्टी एक ही व्यक्ति को टिकट देगी, लेकिन क्योंकि सब पार्टी के वफादार, निष्ठावान, सेवादार हैं, और इसलिए सभी को टिकट मांगने का हक है। अगर प्रेम प्रकाश जी रस्तोगी अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं तो इसमें मैं समझता हूं कोई बुराई नहीं है, और पार्टी को भी उनके बारे में सोचने में कोई भी बुराई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की नीति में तो विश्वास नहीं रखती है, लेकिन अगर तरीके में विश्वास रखती है, लेकिन वो अपने कार्यकर्ता की त्याग, तपस्या, बलिदान को भी प्राथमिकता देती है। लेकिन अगर वो पिछले 5 चुनाव लड़े हैं जिसमें 2 बार जीते हैं और 3 बार अगर वो हारे भी हैं, जिसमें पिछली बार 170 वोटों से हारे, अगर वो लगातार फाइट में अगर आ रहे हैं, तब फिर कहाँ दिक्कत हो रही है? वही मैं कह रहा हूँ, पार्टी का निर्णय है, पार्टी का निर्णय तो सर्वधार्य है।
ऐसे में क्या जो नए लोग हैं, अगर नई वो अपनी उनकी जो कार्यशैली बढ़िया है, नया उनका हिसाब है, अच्छा है अगर नगर में, तो उनको भी आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। संभावनाओं का कभी अंत नहीं होता है सचिन जी। संभावनाएं अनंत होती हैं और हर एक के हृदय में एक अलग जगाने की क्षमता होती है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे अन्य लोग भी हैं जो, जैसे कि प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी हैं, लंबे समय से जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और नगर के विकास मॉडल को आधुनिकीकरण की ओर ले जाना चाहते हैं। तो संभावनाएं तो अनंत हैं, नए लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए।